दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक मौसमी का पौधा है जिसमें आप फूल देख सकते हैं। भर भर के अभी फूल आ रहा है, इसमें फ्रूट सेट भी हो गया है। इधर देख सकते हैं जितना भी न्यू ब्रांच अभी आ रहा है, सभी न्यू ब्रांच में अभी फूल आ रहा है, फूल के साथ आ रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास भी ऑरेंज और मौसमी का पौधा है, आपके पौधे में फूल आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रेजा और आप देख रहे हैं एमआरके ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा अगर आपके पास भी ऑरेंज और मौसमी का पौधा है तो आपको क्या करना चाहिए फूल आने से पहले, और फूल अगर आपको देखा गया है तो उस वक्त आपको क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको करना है उसको उसमें पानी बहुत ही कम देना है ताकि पौधे का जान बचा रहे, उतना पानी डालना है। दोस्तों, पौधे में अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं ये भी एक मेरे पास मौसमी का पौधा है, इसमें मैंने गलती से पानी डाल दिया था। देख सकते हैं पानी डालने के बाद इस पौधे में एक भी फूल नहीं आया है। देखिए, सारा का सारा पत्ता ही निकल चुका है। एक ही एज का पौधा है, एक ही दिन का पौधा है। ये भी एक है 20 लीटर का जो पानी का बोतल होता है उसी में लगा हुआ है, और ये 12 इंच का ग्रो बैग है। लेकिन दोस्तों, पौधे का हालत सेम है, लेकिन इसमें मैंने पानी डाल दिया था। पानी डालने की वजह से इसमें एक भी फूल नहीं देखा गया है। इधर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इधर में भी आप देख सकते हैं एक पौधा, सेम पौधा है, देख सकते हैं मौसमी का पौधा है। इसमें आप देख सकते हैं कितना फूल अभी आ रहा है, भर भर के आ रहा है। दोस्तों, जब तक इसमें ज़्यादा फूल आपको नहीं देखा जाए तब तक आपको इस पौधे में पानी नहीं डालना है ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ पौधे के जान बचाने के लिए पानी डालना है। देखिए दोस्तों, और भी मेरे पास बहुत सारा ऑरेंज और मौसमी का पौधा है। देखिए, इसमें भी अभी फूल आ रहा है, जितना भी न्यू ब्रांच आ रहा है सभी न्यू ब्रांच के साथ साथ इसमें भी अभी फूल आ रहा है। दोस्तों, अगर आपके भी पास ऑरेंज और मौसमी का पौधा है यानी कि सिट्रस वेराइटी का पौधा है, आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आपको पानी बहुत ही कम डालना है। देखिए, ये है एक मेरा दार्जिलिंग ऑरेंज का पौधा, इसका आप मिट्टी देख लीजिए कितना सूखा हुआ है। इधर है एक इंडियन मौसमी का पौधा, देख सकते हैं इधर भी मिट्टी सूखा हुआ है पूरा। देख सकते हैं इधर से जितना भी अभी न्यू ब्रांच निकल रहा है इन सब में अभी फूल के साथ ही आएगा। देखिए, और एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह है दार्जिलिंग ऑरेंज का पौधा, इसमें आप देख सकते हैं जितना भी ब्रांच आ रहा है सभी में फूल के साथ ही आ रहा है। मैं आपको एक बार करीब से दिखा देता हूँ। देखिए, ये है दार्जिलिंग ऑरेंज का पौधा, इसमें सभी न्यू ब्रांच के साथ अभी फूल आ रहा है, भर भर के फूल आ रहा है। दोस्तों, इसका कारण हमने कोई भी पीजीआर का स्प्रे नहीं किया है, कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें पानी की आपको शॉर्टेज करना है। पानी अगर आप इसमें शॉर्ट करेंगे तो आपके भी पौधे में फूल ज़रूर से आएगा। दोस्तों, सिट्रस के पौधे में पानी का बेहद महत्वपूर्ण रोल होता है, पानी आपको बहुत ही कम डालना है पौधे की जान बचाने के लिए। दोस्तों, ये है एक पाकिस्तान ऑरेंज का पौधा, इसमें भी आप देख सकते हैं हमने मिट्टी में थोड़ा सा भी पानी अभी नहीं डाले हैं, देख सकते हैं। और इस पौधे में भी हम अभी फूल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अगर फूल आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो फिर अगला बार इसमें तो फूल आएगा ही आएगा। दोस्तों, अगर आपके पास छोटा पौधा है तो छोटा पौधा में ये ट्रिक आपको अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो पौधे का हेल्थ और भी ख़राब हो जाएगा। देख सकते हैं इधर मेरे पास और भी बहुत सारा ऑरेंज और मौसमी का पौधा है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देख सकते हैं इधर मेरा पूरा एक्जोटिक वैरायटी का ऑरेंज प्लांट है, पूरा एक्जोटिक एकदम न्यू वैरायटी, देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, नोभा मैंडरिन, ये है जापानी सीडलेस, ये है नाभेल मुल्की, ये है न्यू शेलर, देख सकते हैं बहुत सारा ऑरेंज वैरायटी का पौधा मेरे पास है, और बहुत सारा पौधा मेरे छत के ऊपर लगा हुआ है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक न्यू वीडियो के साथ, तब देख के लिए बाय बाय।